नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शनि की धातु के बारे में जिसका नाम है लोहा। लोहे का शनि के साथ क्या संबंध है, लोहे का प्रयोग करके शनि की बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं ये जानेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और साथ ही साथ आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे आपको सफलता का एक मंत्र सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 11 जून 2023 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर के 12:05 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 2:32 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 8:46 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 11 जून 2023 दिन रविवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध मौजूद हैं वृषभ राशि में, शुक्र मंगल विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु तुला राशि में, चंद्रमा और शनि संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु विद्यमान हैं फिलहाल मेष राशि में। सबसे पहले ये जानते हैं कि लोहा क्या है और इसका सामान्य महत्व क्या है। देखिए, लोहा धरती के गर्भ में, धरती के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। इसका प्रयोग भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। महर्षि चरक के समय में लोहे का उपयोग औषधि निर्माण में भी होता था, यानी भारतवर्ष में प्राचीन काल से हम लोग लोहे का महत्व जानते थे। लोहा वर्तमान जीवन का आधार है और बिना लोहे के किसी भी तरह के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। आज के समय में लोहे के बिना दुनिया का चल पाना बहुत मुश्किल है। शरीर में भी लोहा हीमोग्लोबिन के आवश्यक अंग के रूप में विद्यमान रहता है। हीमोग्लोबिन के एक हिस्से के तौर पे लोहा शरीर में रहता है। यकृत में यानी लिवर में प्लीहा यानी स्प्लीन में और मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड में भी लोहे के तत्व इकट्ठा रहते हैं। शरीर में अगर लोहे की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने की समस्या होती है, सांस फूलने लगती है। शरीर के मजबूत बिल्ट के लिए और शरीर को बहुत अच्छा बनाए रखने के लिए शरीर में आयरन का एलिमेंट, लोहे का एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। लोहे के और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे कार्यक्रम के अंत में, आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय और साथ ही साथ बताएंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं
मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक समस्या से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, नया कार्य इस समय अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। सेहत की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। जीवन साथी की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। हम आज लोहे के महत्व पर बात कर रहे हैं, शनि की इस धातु को समझ रहे हैं और अब जानते हैं कि लोहे का ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, लोहे को सामान्यतः शनि के साथ जोड़ा जाता है। लौह धातु पर लोहे पर शनि का आधिपत्य है, ये बात कही जाती है। अपने गुणों और अपने प्रभाव के कारण लोहा शनि का तत्व माना जाता है। हर स्थिति परिस्थिति में कठिनाई से टिका रहता है, डटा रहता है और ये गुण शनि का गुण माना जाता है। शनि की बहुत ज्यादा अगर पीड़ा हो रही हो, शनि की वजह से अगर जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो ऐसी स्थिति में लोहे का दान किया जाता है और विशेष अवस्था में लोहे के पात्र में भोजन भी किया जाता है। लोहे की नाल की बनी हुई अंगूठी ये उंगली में धारण की जाती है। अगर शनि की दशा चल रही हो या शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो और उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही हो तो लोहे के नाल की बनी हुई अंगूठी मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में धारण की जाती है। और जब आप लोहे का प्रयोग करते हैं, लोहे का छल्ला पहनते हैं, लोहे का कड़ा पहनते हैं, लोहे के पात्र में दीपक जलाते हैं, तो लोहे के प्रयोग से शनि को मजबूती भी मिलती है, ऐसा देखा गया है। तो लोहा जब आप जीवन में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या जब आप लोहे का नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो इससे आपके शनि को शक्ति मिलती है और शनि संबंधी जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। और जब शनि मारक हो रहा हो या रोजगार में भयंकर समस्या दे रहा हो तब ज्योतिष ये कहता है कि शनिवार को लोहे के बर्तनों का दान करना बहुत अच्छा होगा। कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और साथ ही साथ देंगे आपको सफलता का एक विशेष मंत्र सक्सेस मंत्र में। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह
सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन को लेकर के बेवजह का तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। कन्या राशि, मुश्किलें थोड़ी कम होंगी, धन का लाभ होता दिख रहा है, परिवार में आपके मंगल कार्य होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, शिक्षा के मामले में आपके सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अंतिम चार राशियों के दैनिक राशिफल की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अब ये जानते हैं कि लोहे का विशेष प्रयोग कैसे करें जिससे शनि हमें लाभ दे, जिससे हमें जीवन में लाभ मिल सके। देखिए, शनि को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन पर शनि का शुभ प्रभाव पड़े, तो लोहा जरूर धारण करिएगा। साथ ही साथ लोहे के पात्रों का, लोहे के बर्तनों का जीवन में प्रयोग करें। अगर लोहे के पात्र में भोजन नहीं भी कर सकते तो कम से कम लोहे का एक दीपक बनवा लें और शनिवार को इसमें सरसों का तेल डाल करके शनिदेव के नाम से पश्चिम दिशा में दीपक जलाएं, इससे शनि की कृपा आपको मिलेगी। शनि को शांत करने के लिए लोहे की वस्तुओं का दान करें, जैसे लोहे की कड़ाही है, तवा है, चिमटा है, ये शनिवार को दान किया जाता है। अगर शनि बहुत खराब स्थिति में हो और शनि की वजह से बहुत सारी मुश्किलें आ रही हों, तो शनिवार को लोहे की वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जैसा आपको पहले बताया कि शनि की अगर आप विशेष कृपा चाहते हैं तो लोहे के दीपक में दीप दान करिएगा। लोहे के दीपक में सरसों के तेल का दीपक शनिवार की शाम को पश्चिम दिशा की तरफ या पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप जलाएं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। लोहे का दरवाजा अगर आप अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं, अपने मेन डोर पर लगाते हैं और उसके संपर्क में बने रहते हैं तो शनि की कृपा बहुत आसानी से मिल जाती है। अब लोग अपने मेन डोर पर पीतल का या स्टील का दरवाजा भी लगवाते हैं, लेकिन सबसे उत्तम होगा कि आप अपने मुख्य द्वार पर लोहे का दरवाजा लगवाएं, इससे शनि की कृपा आपको निश्चित रूप से आसानी से मिल जाएगी। तो लोहे पर हम आज बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि शनि संबंधी बाधाओं से निजात पाने के लिए लोहे का छल्ला पहनना बहुत अच्छा होता है। सामान्य लोहे का छल्ला अगर आप पहनेंगे शनिवार को अपनी मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में, तो आपको उससे भी फायदा होगा, लेकिन ज्यादा फायदा होगा अगर लोहे का छल्ला घोड़े की नाल से बना हुआ हो या नाव की कील से बना हुआ हो, तो ऐसा लोहे का छल्ला पहनना ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा, आप एक और अत्यंत विशेष उपाय कर सकते हैं।
कि लोहे के बर्तन में पानी भर करके शुक्रवार की रात को रख दें, एक लोहे की कटोरी ले लें या लोहे का गिलास ले लें और इसमें पानी भर करके शुक्रवार की रात को रख दें और शनिवार को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इस लोहे के पानी को ले जाके पीपल के वृक्ष में अर्ली मॉर्निंग आप डाल दें। अगर रोजगार संबंधी समस्या है, अगर करियर संबंधी समस्या है और ये जल आप नियमित रूप से डालते रहें पीपल के वृक्ष में लोहे के पात्र से, तो आपके रोजगार में, आपकी नौकरी में जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष मंत्र सक्सेस मंत्र में, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, ऑफिस में बेवजह के विवादों से बचें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, आपके नजदीकी रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ आपको दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके बाल कमजोर हैं और टूट रहे हैं तो नहाने के पहले थोड़ा सा शहद लेकर के अपने बालों में अच्छी तरह से उसकी जड़ों में लगाएं और फिर अपने बालों को सामान्य जल से धो लें। ऐसा सप्ताह में दो बार करें, बालों की जड़ों में शहद लगा करके बाल सप्ताह में दो बार धुलें। ऐसा करने से बाल मजबूत होंगे, बालों का टूटना और गिरना बंद होगा। चलिए अब जान लेते हैं 11 जून 2023 दिन रविवार को सफल बनाने का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा 12 बजे के पहले, और इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः का जप करिएगा। अगर आप सुबह सुबह ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।